मायरा बाय। हाँ, चलेंगे। ओहो मारा, अभी आप मत जाओ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है हमें शिमला के अंदर फर्स्ट डे। 5 दिन हम मनाली रह चुके हैं और अब हम शिमला में। शिमला में एक जगह है शोघी, जो शिमला से जो है आई थिंक 7-8 किलोमीटर पहले है, वहां पर हम रुके हुए हैं। बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है ये मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये बगल वाले रूम में हमारे चाचा हैं, तो हमने 2 रूम यहाँ लिए हुए हैं। एक बार भी नहीं आया, बहुत ठंडा पानी है। बहुत ठंडा पानी आया नहीं, हमारा तो कुछ नहीं आया। अरे पानी ये मनाली को बीट कर दिया पानी। हाँ बहुत ज्यादा ठंडा पानी, सुनो गया हाथ सुबह बॉडी करके धोते हुए जम गया। हाँ मेरे खुद हाथ से ही गिलचने लगे थे। हाथ का मुझे नीचे नहीं फील हो रहा था, मैं धुला के नहीं धुला। सही है। ये है ग्रीन स्मिथ एप्पल, जो कि तकरीबन 90 डेज तक फ्रेश बना रहता है, तो बहुत ही शानदार है ये, टेस्टी है। तो कभी आपका मौका लगे तो मनाली में तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन शिमला में ये बहुत महंगा मिलता है। तकरीबन 350-300 रुपये के जी मिलता है। और अगर आप इसको मनाली से लेते हैं तो मनाली में सीज़न में तो ये तकरीबन 80-90 रुपये किलो, और ऑफ सीज़न में तकरीबन 150 रुपये किलो में आपको मिल जाता है आराम से ये। ब्रेकफास्ट हो चुका है, टेस्ट अच्छा था ब्रेकफास्ट का। तो अब हमारी प्लानिंग है सीधा कुफरी जाने की। इधर चलो कुफरी चलते हैं घूमने। हाँ कुफरी चलेंगे, चलो भाई चलो। नीचे आना तो आसान था, लेकिन अब चढ़ना बहुत टफ हो रहा है सबके लिए। देखो कैसे जा रहे हैं। तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया शेरा वाली। मायरा कह रही है गोदी है। मायरा ले लो, थक गई होगी। थक गए आप? अरे ये तो हमने खा लिए हिल सिकनेस वाली टेबलेट, अब चलते हैं अपना। है भाई हैदर चले? हाँ चलो जी चलो। कुफरी तो हम लोग आ गए हैं, मौसम बहुत ठंडा है यहाँ पर और बहुत सारे खच्चर बंधे हुए हैं, बदबू बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। अब ये कह रहे हैं खच्चर में बैठ के जाओ जी ऊपर, तो खच्चर वच्चर में जाने का प्लान तो हमारा है नहीं, यहीं घूम लेंगे आसपास। आपको भी उतरना है? चलो हाँ लेता हूँ आपको भी। इस टाइम हम हैं कुफरी का जो जू है उसके पास है, और साथ में एक छोटी सी मार्केट है यहाँ पर, और मैं बिल्कुल हिल के टॉप पे खड़ा हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा सा छोटा सा बनाया हुआ है, सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है यहाँ पर, ये देखो। और चारों तरफ इसकी फेंसिंग लगा दी है जिससे कि कोई गिरे ना बच्चा वगैरह, और हवा बहुत ज़बरदस्त चल रही है। ये मार्केट है, और मार्केट से जैसे थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो एक जू है यहाँ पर। जू में आपको छोटे मोटे मिल जाएंगे, देखते हैं चल के जू के अंदर भी क्या है। इस टाइम हमें कुफरी जू में, और ये है एक शॉप काफ़ी अच्छी, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो जू की जो एंट्री है शॉप के अंदर से ही है,
तो जरा देखते हैं कैसा है माहौल यहाँ का। बस ये देखना है या है कुछ और चीज़ है? अच्छा, हाँ मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं, यही थी इसी को जू बना दिया इन्होंने, देसी में हमारा काट दिया। जू के अंदर कुछ मिला ना मिला हो, लेकिन सामने बर्फ जरूर मिल गई है। देखते हैं, हो सकता है कि आगे कुछ मिले पक्षी वगैरह। ये देखिए जी, बिल्कुल देसी जुगाड़ है जी अपना, छोटा सा हिरन टाइप का है कुछ। मेरे बैक साइड में है हिमाचली गोरल, और इनके लिए रहने के लिए बहुत शानदार जगह बनाई हुई है। अभी घास नहीं है इसलिए जो मिल रहा है वही खा रहे हैं। पानी के लिए गाड़ी के ये कोई नई ब्रीड है भाई। ओह माय गॉड, मेरा देखो बारहसिंगा दोस्त, मेरे फाजिल दोस्त तो ये है बारहसिंगा। शानदार और अद्भुत ब्राउन बियर, छोटा सा बेबी बियर का, काफी बड़ा है। हाँ। बहुत ही शानदार नजारा है यहाँ का, अद्भुत। और आइस भी है यहाँ पर, और साथ में पीछे बर्फ पड़ी हुई है। अभी भालू वहाँ लेट रहा था, खूब मस्ती कर रहा था, अब हमें देख के वापस आया है डांस दिखाने के लिए। वो अलग बात है, डांस दिखा नहीं रहा, बैठा है। ऐसे करो, मायरा घर लेके चले, हैदर घर लेके चले इसे। बच्चों ये देखो, स्पैरो देखो, देखो देखो बर्ड ऊपर पेड़ के ऊपर, देखो इधर इधर, देखो इधर इधर। आई थिंक आपको भालू देख के डर लग गया होगा, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ लेपर्ड। बहुत ही शानदार लेपर्ड है यहाँ पे, ये देखिए क्या शानदार लेपर्ड हुआ है, मीन्स लेपर्ड है। मैं बिहारी लैंग्वेज में बोल रहा था आपसे, एक ये है, दूसरा कहाँ है? एक और डांस कर रहा है, वो वाला डांस कर रहा है, डांस देखना है इधर देखो, भाई पैसा वसूल जू है, छोटा जू है, केवल 50 रुपए टिकट है। अगर आप आ रहे हैं कुफरी घूमने तो आप कवर कर सकते हैं सारी चीजें, और अब चलते हैं जू से बाहर। जू पूरा हमने कवर कर लिया है, जू के गेट पर ही आंटी मिल गई हैं, बहुत अच्छी मैगी बना रही हैं हमारे लिए और चाय बना रही हैं। तो पहले मैगी और चाय पी लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कहीं। कुफरी विजिट तो हमारी हो गई है, अब हम लोग जा रहे हैं माल रोड शिमला, माल रोड पे घूमेंगे। शिमला में एंटर हो चुके हैं हम लोग, अब गाड़ी पहले लगा देते हैं पार्किंग में, और उसके बाद फिर अब सीधा लिफ्ट से हम जाएंगे ऊपर। चाचा वहाँ से टिकट ले रहे हैं लिफ्ट का, और ये सामने लिफ्ट है, यहाँ से हम ऊपर चले जाएंगे। ये रास्ता सीधा माल रोड गया है, तकरीबन यहाँ से 100-150 मीटर के करीब ऊपर चढ़ के माल रोड है ऊपर, वहाँ ये देख रहे हैं ना, ये माल रोड है, बस चलते हैं वहाँ पे। फाइनली माल रोड में पहुंच गए हम लोग, और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, और यहाँ पर ना गणतंत्र दिवस की तैयारी हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पीछे गणतंत्र दिवस की तैयारी हो रही है, और पीछे ये चर्च है जो आप देख रहे हैं, और चर्च के पास आपने मूवी देखी हुई 3 इडियट, उसकी शूटिंग हुई है। ये देखिए क्या शानदार नज़ारा है, कहीं पर धूप कहीं पर छांव, बहुत ही मनमोहक। ये सामने चर्च, और ये रास्ता चला गया है नीचे की तरफ।
यहाँ इधर की तरफ काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है खाने वगैरह के लिए। 6 दिन का बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिप हो गया हमारा यहाँ पर, सोचा था 4 दिन का लेकिन अब पूरे 6 दिन हमने यहाँ लगा दिए हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी ठंड है यहाँ पर। तो अब प्लानिंग हमारी ये है कि थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे यहाँ पर और एक दो चीज़ें और देखेंगे, आपको दिखाते हैं, और डिनर यहाँ करेंगे। डिनर करने के बाद सीधा जाएंगे होटल, सो जाएंगे। ये रहा हमारा प्यारा तिरंगा जो 12 महीने ऐसे ही लहरा रहा होता है, मज़ा आ जाता है इसको देख के, जो भावना है ना दिल की सारी बाहर निकल आ जाती है। शानदार अपना तिरंगा। यहाँ पर एक इंडियन कैफ़े है, अब हमारा प्लान है कि वहाँ चल के कॉफ़ी पिएँ। क्या बोलती हूँ मायरा, चाय भी पी सकते हैं, कॉफ़ी भी पी सकते हैं। ये सामने है इंडियन कैफ़े हाउस, इसमें चलते हैं और बढ़िया कॉफ़ी और चाय पीते हैं। यहाँ की जो एक्सप्रेसो कॉफ़ी है वो ज़्यादा फेमस है, तो वही पीने वाले हैं हम लोग। कॉफ़ी पी के मज़ा आ गया, ज़बरदस्त कॉफ़ी थी। क्या बोलती हो, है ना, अच्छी कॉफ़ी थी। और जनवरी के महीने में माल रोड में घूमने का भी अपना अलग मज़ा है, फुल ठंड है यहाँ पर, टेम्परेचर अभी -2 डिग्री है। और अब हमारी प्लानिंग है थोड़ा घूमेंगे फिर डिनर करेंगे, और डिनर करके फिर हम निकलेंगे रिजोर्ट के लिए। माहिरा हाँ, घर लेके चलोगे इसको, है माहिरा, ये लासा है ना, माने घर ले चले। आप तो कह रहे थे इसको पकड़ने के लिए, आप तो डर गए। यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो रही है, तो हम अभी ले रहा हूँ, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम डिनर पैक करा लेते हैं और रिजोर्ट में जाके खा लेते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।